ऑलराइट, सो लास्ट टॉपिक है अपना जो है सो बैकअप एंड रीस्टोर। सो टूल्स के अंदर देखो आपका बैकअप है, रीस्टोर है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डेटा पर्जिंग। सो प्लस सबसे पहले बैकअप एंड रीस्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इन्हें बैकअप मैनेजमेंट है, फायरवॉल मैनेजमेंट बैकअप, मैनेज डिवाइस बैकअप, अपलोड बैकअप। अब एट दिस मोमेंट अपने पास कुछ भी बैकअप नहीं है, तो बैकअप प्रोफाइल, प्रोफाइल बोले तो आप क्या करना चाह रहे, कौन सा बैकअप लेना चाह रहे, कहाँ पे रखना चाह रहे, तो एक डिटेल्स दे रहे आप। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होके कॉन्फिग ओनली बैकअप बोल के तो उसको एडिट करो। एडिट करने के बाद ये देखो तो ये लोकल है, ये एफएमसी के अंदर ही खुद ही बैकअप लेके होने, ओनली कॉन्फिग्रेशन बैकअप लेके रख रहा होने, ठीक है। अगर आपको इवेंट्स के भी बैकअप होना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। नहीं आपको नई प्रोफाइल बनाना है तो भी सेम है, कुछ भी उस चेंज नहीं है, डिफ़ॉल्ट पॉलिसी ही ले लेना अच्छा है क्योंकि सिर्फ आप नाम एक्स्ट्रा कर रहे हो और एक एक्शन एक्स्ट्रा कर रहे। कॉपी व्हेन कंप्लीट के ऊपर क्लिक करते कि आप दूसरी जगह भी आप कॉपी करा रहे हो, दैट्स इट, अगर आपको करना है। बट बेसिकली डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक लगी हुई है बैकअप के लिए, दैट शुड बी इनफ। लेकिन मसला क्या है बोले तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे सेव हो रहा, एफएमसी के अंदर ही सेव हो रहा। जब एफएमसी ही डाउन हो गया तो आप कहाँ से उसको रिकवर कर सकते हैं, करेक्ट? तो उसके लिए आपको आता है रिमोट स्टोरेज। तो सबसे पहले रिमोट स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करने के वास्ते आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो सबसे पहले एफएमसी को बोलना पड़ता है कि भाई रिमोट सर्वर कहाँ पे है, जो रिमोट स्टोरेज कहाँ पे है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो रिमोट स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पे देखो लोकल है, एनएफएस है, एसएमबी है और एसएसएच है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज है, बट एनएफएस बोले तो अपना ये विंडोज़ वाला है और एसएमबी ये भी विंडोज़ सर्वर सपोर्ट करता नहीं बोल के नहीं, तो ये एक अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आप कहीं और एक हार्ड डिस्क है, वो हार्ड डिस्क पे जो है सो आप कॉपी करो बोल के बोल रहे रिमोट, लेकिन उसको कॉन्फ़िगरेशन करने का जो एनएफएस या तो एसएमबी का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम से अलग है, क्योंकि दूसरा जो रिमोट डिवाइस है पहले उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता, फिर उसके बाद आप, अगर मैं एनएफएस सेलेक्ट करा तो होस्ट का डिटेल्स देना पड़ता, उसकी डायरेक्टरी की डिटेल्स देना पड़ता, फिर उसके बाद आप यूज़ फॉर बैकअप रिपोर्ट का के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बोलना पड़ता। सेम टू सेम विथ एसएमबी ऑल्सो, एसएमबी के साथ भी वही करना है कि शेयर कौन सी है, डायरेक्टरी कौन सी है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है। और एसएसएच के साथ जो है सो सेम, होस्ट, डायरेक्टरी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बस इतना है कि जो रिमोट डिवाइस है उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना है और उसके प्रॉपरली डिटेल्स यहाँ पे दिए तो ही कनेक्ट होता है। मैं ट्राई करा कनेक्ट करने की लेकिन फिर भी नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिमोट डिवाइस है जो कि माउंट करना पड़ता। तो एक बार यहाँ पे रिमोट डिवाइस आपका ऐड हो गया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे टूल्स बैकअप में जाओ और यहाँ पे रिमोट स्टोरेज के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे ही लेके आया तो सॉरी, फिर वापस बैकअप एंड स्टोरेज, प्रोफाइल बनाना है अपने। तो रिमोट स्टोरेज जब ऐड हो गया, ऐड होने के बाद आप प्रोफाइल बनाओ, क्रिएट प्रोफाइल, और यहाँ पे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद उसके डिटेल्स दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो डेटा बैकअप का होगा जो कि आप कहाँ पे रखना चाह रहे, लोकली या तो रिमोटली, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना शेड्यूलिंग, कब आप कब बैकअप लेना चाह रहे। देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वीकली कॉन्फिग ओनली बैकअप वीकली, ठीक है। तो अगर आपको ऐड करना है कुछ और डेज तो ऐड टास्क, कौन सा टास्क है, बैकअप है, क्या है, डाउनलोड है, कौन सा टास्क आपको ऐड करना है, ऐड करो, कौन से टाइम पे करना है, या तो रिकरिंग है एवरी टाइम, देखो या वंस है या रिकरिंग है, रिकरिंग है बोले तो कब कब लेना है। तो पूरे डिटेल्स पूछता, अगर आपको वीकली लेना है, वीकली वंस में लेना है या तो मंथली वंस में लेना है, तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे उसको कि बैकअप कब लेना है, कौन सा बैकअप लेना है, कौन से फ्रीक्वेंसी में लेना है, यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स आप डिफाइन करेंगे। तो जब डिफाइन करें तो उसके हिसाब से आपको ये कैलेंडर दिखता कि कब कब उन्हें जो है सो बैकअप ले रहा, क्या ले रहा, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख जाते। नेक्स्ट हो गया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जबकि डेटा बैकअप आपके पास जब आना शुरू हो गया तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक पॉलिसी है एफटीडी की, इम्पोर्ट, यहाँ पे देखो ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको इंपोर्ट करना है अपलोड पैकेज, यहाँ पे फाइल है, ठीक है, एक्सपोर्ट है तो यहाँ पे, तो कौन से, यहाँ पे इतने सारे डिटेल्स है ऑलरेडी जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि जो आप पर्टिकुलर क्या बोलते कॉन्फ़िगरेशन होना है उसको एक्सपोर्ट करने का, जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिफाइन है वो वाले ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। जब भी ये एक्सपोर्ट होते मेरे ख्याल से ये .xml फाइल के अंदर एक्सपोर्ट होते होंगे, एक बार चेक भी कर लें, एक्सपोर्ट .xml फाइल के अंदर उन्हें एक्सपोर्ट होता है यूजुअली। हाँ, ये अलग ही फाइल है, .sfo फाइल है ऑब्जेक्ट, तो एक्सटेंशन अलग अलग हो सकते, कभी .xml हो सकती, कभी .sfo हो सकती, अलग अलग एक्सटेंशन, लेकिन फाइल तो वो वाली फाइल जब यहाँ पे आप अपलोड करोगे तो वो उन्हें उसको रिकॉग्नाइज भी करती है और उसको अनपैक भी करती, ठीक है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ पे। तो ये अब समझो नया एफएमसी है, अगर आपके पास पूरे एक्सपोर्ट्स पड़े हुए हैं तो आप उसको जो है सो डेटा पूरा इम्पोर्ट कर सकते हैं, बैकअप से भी उसको जो है सो इम्पोर्ट कर सकते हैं आप। डेटा पर्जिंग, डेटा पर्जिंग मतलब कि डिलीट करने का डेटा जो भी, क्योंकि जैसा जैसा आपका डेटा कलेक्ट होते रहता है डेटा बिल्डअप होते रहता, तो बिल्डअप होते गए सर का डेटा आप उसके अंदर सेव नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्टोरेज रहता। अगर आपके पास बहुत सारी स्टोरेज है तो बात अलग थी, लेकिन लिमिटेड स्टोरेज रहता है एफएमसी के ऊपर, इसलिए आपको डेटा पर्ज यानी डिलीट करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखो कब कब करना चाह रहे हैं आप, यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ रहा क्योंकि ऑटोमेटिक ऑप्शन तो यहाँ पे दिख रहा नहीं, ठीक है। तो जो भी एक्शंस या तो वो फील्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे वो सारे फील्ड्स के जो भी डेटा रहता है वो डिलीट होता है। ये बहुत सोच समझ के करना पड़ता है क्योंकि आपके जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाता, फिर रिकवर नहीं होता, तो बी केयरफुल व्हाइल डिलीटिंग, पर्जिंग दैट डेटा, ठीक है। बैकअप, शेड्यूलिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। स्मार्ट लाइसेंसिंग, अब स्मार्ट लाइसेंसिंग कुछ भी नहीं है, बस अपने अकाउंट से सिंक्रोनाइज करना पड़ता। तो फिलहाल देखो यहाँ पे स्मार्ट लाइसेंसिंग तो है लेकिन इवैल्यूएशन में चल रहा, तो सिस्को स्मार्ट सॉफ्टवेयर मैं रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद वहाँ पे एक टोकन जनरेट करते हैं, टोकन जनरेट करने के बाद क्लिक ऑन रजिस्टर, तो उन्हें वो टोकन पूछता है। यहाँ पे टोकन पूछने के बाद आप उसको जो है सो अप्लाई चेंजेस करते हैं। तो उसका एक मैकेनिज्म है सिस्को का कि जब भी डिवाइस ऑटोमेटिक आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाता, तो अकाउंट में लॉगिन होना है, वहाँ पे एफएमसी के लिए एक टोकन जनरेट करना है और वो टोकन लेके कि बस यहाँ पे पेस्ट कर दिए तो उन्हें ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में जाके कनेक्ट हो जाता और वहाँ पे जैसा आपके जो रिलेवेंट या तो वैलिड लाइसेंसेस दिखते हैं वो पूरे लाइसेंसेस लेके उन्हें इंस्टॉल कर लेता इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया अपना जो है सो क्लासिक लाइसेंस। ये क्लासिक लाइसेंस बोला तो पैक फाइल रहती जो कि .xml वाली फाइल रहती, तो उसको जो है सो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या तो कॉपी पेस्ट कर सकते। तो क्लिक ऑन ऐड न्यू लाइसेंस, जो पैक फाइल रहती ना तो वो पैक फाइल में जो है सो उसको ओपन करते हैं आप, ओपन करने के बाद उसका कंटेंट कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है सो सबमिट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक टूल्स, लाइसेंसिंग एंड टूल्स, जिसके अंदर बैकअप देखें, शेड्यूलिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डेटा पर्जिंग, बी केयरफुल ऑलवेज, स्मार्ट लाइसेंसिंग विल कनेक्ट टू योर अकाउंट, क्लासिक यानी कॉपी पेस्ट, ठीक है।